बिग बॉस के घर के अंदर अब तक जिस चीज की उम्मीद की जा रही थी, जो चीज सबसे पहले हफ्ते में हुई थी, वो एक बार फिर घर में होने वाली है। जी हाँ, और ये है सुंबुल के पापा की एंट्री। मैं आपको टाइटल में ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि सुंबुल के पापा घर में एंट्री लेने वाले हैं, लेकिन कैसी एंट्री होगी, उसी के साथ साथ सुंबुल को कौन सा बड़ा मैसेज दिया है शालीन टीना, दोनों को लेकर चलिए मैं आपको बताती हूँ। वेल हेलो गाइज एंड वेलकम टू फीफा फूस, मैं हूँ ज्योति नाहक। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि बिग बॉस में जो कुछ भी हो रहा होता है वो सब रियली हो रहा होता है, कोई भी चीज़ स्क्रिप्टेड नहीं होती है। लेकिन हाँ, किस चीज़ को कैसे दिखाना है वो ज़रूर मेकर्स डिसाइड करते हैं, किसको पॉजिटिव दिखाना है, किसको नेगेटिव दिखाना है, ये सब कुछ मेकर्स के ऊपर है, मेकर्स ही इस चीज़ का फैसला लेते हैं। ऐसे में सुंबुल तौकीर खान जब से घर के अंदर गई हैं, तब से उन्हें एक नेगेटिव लाइट में दिखाया जा रहा है, उन्हें ऑब्सेस्ड और उन्हें पागल प्रेमी की तरह दिखाया जा रहा है, जो कि वो नहीं है। वो कई बार ये चीज़ कह चुकी हैं और कल भी उन्होंने पूरे एपिसोड में काफ़ी एविडेंटली ये बात कही। देखिए, सुंबुल के पापा ने एक बार बहुत क्लैरिफिकेशन के साथ ये बात कही थी कुछ वक्त पहले इंटरव्यू में, कि सुंबुल का नेचर ऐसा नहीं है कि वो ज़बरदस्ती लड़ाई करेगी और उस चीज़ पर जाकर अड़िग रहेगी, है ना, जो भी चीज़ हो। तो ऐसे में जब भी वीकेंड कवार ख़त्म होता है, आप देखते हैं कि सुंबुल अगर कुछ कर भी रही हैं, कुछ अगर उन्हें वीकेंड कवार पर कहा भी गया है, तो वो उस चीज़ को दिल पर नहीं लगाती हैं। उस वक्त उन्हें बुरा लगता है, वो रोती हैं, और फिर अगले दिन ऐसा नहीं कि वो उन लोगों को पूरी तरह से कट ऑफ कर देती हैं, वो उनसे बातचीत रखती हैं, उनसे कम्युनिकेशन रखती हैं, उनसे पूछती हैं कि आपको क्या सही लगता है, मुझे क्या सही लगता है, वो बताती हैं। खैर, लेकिन अब ऐसा लगता है कि सुंबुल के पापा खुद घर में आकर उन्हें ये समझाने वाले हैं कि बेटा, बहुत हुई दरिया दिली, बहुत हुई अच्छाई, अब आपकी बारी है और अब आप करेंगे गेम। जी हाँ, यहाँ पर आपको मैं तस्वीर दिखा दूँ, सुंबुल आपको रोती हुई नज़र आ रही है क्लियरली। जी हाँ, ये कन्फेशन रूम की तस्वीर है, यहाँ पर सुंबुल की उनके पापा से बात करवाई गई, और क्या उनके पापा ने उनसे बात की है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो देखिए, ये बिल्कुल जेन्युइन तस्वीर है। जैसे ही सुंबुल ने अपने पापा की आवाज़ सुनी, वो कुछ इस तरह से फूट फूट कर रोई हैं, और ना सिर्फ फूट फूट कर रोई हैं, बल्कि सुंबुल के पापा ने उनसे कहा कि अब टीना और शालिन को उनके औकात दिखाओ बेटा, नेशनल टेलीविजन पर। उन्होंने तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी है नेशनल टेलीविजन पर। टीना को तुम जाकर हक कर रही हो, टीना ने ही तुम्हें कहा कि तुम ऑब्सेस्ड हो, टीना ने ही ये पूरा शाबुल वाला जो एंगल था उसको शुरू किया था। सो अब बारी आपकी है, आप सीधे सीधे इस चीज को करिए, और आप अपना गेम अब खेलिए, आप समझिए। अब 1.5 महीना हो गया है, अब आपको समझना पड़ेगा, 2 महीने होने को आ रहे हैं। सो आज आप देखेंगे कि एक टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन होगी, और फिर अब उम्मीद इस बात की जा रही है कि जब टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन होगी, तो फिर क्या सुंबुल अपने पापा की बात फिर सुनेंगी या सुनकर अनसुना कर देंगी। आपको क्या है कहना इस पर, बताइएगा।